वेलकम बैक गाइस, ये है मेरा मिनी व्लॉग 6। तो अभी मैं स्कूल से आ चुकी हूँ, फिर मेरा प्रेयर हो गई, उसके बाद मैं थोड़े ब्रेसलेट्स बनाती हूँ। चलो मैं आपको ब्रेसलेट्स दिखाती हूँ। देखिए मैंने ब्रेसलेट बनाया ऐसा ही घर पे बैठे बैठे, जस्ट मेरे पास थोड़े से पर्ल थे ना, तो मैंने उससे ये बनाया। और ये जस्ट इतना क्यूट लगता है ना ये ब्रेसलेट बनाना, आप भी वो इसे बना सकते हो, बहुत ईजी है, बस पर्ल्स और इलास्टिक थ्रेड से बनाना है। ये जस्ट मैंने जो हमने जो ज्वेलरी किट बनाया था ना हैंडमेड, वही ज्वेलरी किट से मैंने ये बनाया है। और जो ये BTS पेन है ना, जो ये मैं हॉलीडेज में गई थी ना मुंबई, तो वहाँ पे से ही मैंने ये लाया है। इतनी क्यूट डायरीज है। और ये BTS डायरी क्यूट पेन मुझे बहुत पसंद आया। अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। फिर उसके बाद मैंने सब जो बीड्स एंड पर्ल्स हैं ना, वो मैंने सब अरेंज करके रख दिए, इससे वो अच्छा डीक्लैटर होता है। फिर मैंने की थोड़ी सी स्टडीज, ये मेरा हिस्ट्री का लेसन्स की मैंने थोड़ी सी स्टडी कर ली, फिर थोड़ा टाइम से मैंने स्टडी ओवर। तो किस किस की मेरी तरह 2 मिनट में स्टडीज हो जाती है, लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताना। फिर किया पेन स्टैंड अरेंज, मैंने बहुत सारे पेन्स रखे इसके अंदर, और इसमें थोड़े से पेंसिल्स और पेन्स। तो इतने सारे पेन अरेंज करने के लिए मैंने पेन स्टैंड बनाया था जो बहुत पुराना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा मंच टाइम, आ जाओ। तो आज के मंच में है फ्रेंच फ्राइज, मसाला फ्राइज, जो बहुत ही क्रिस्पी है। सो आफ्टर मंच में थोड़े से पर्ल्स मेरे पास ख़त्म हो गए थे ना, जो बीड्स से ज्वेलरी मेकिंग के लिए, जैसे कि ये ब्रेसलेट्स, तो वो मैं लेने गई थी। चल मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने बीड्स लाए थे, लेकिन हमको पता है इतनी अच्छी क्वांटिटी में हमें जो शॉपकीपर है वो देते हैं कि मतलब ये 2 रुपीज़ के आपको मिलते हैं इतने सारे ये बीड्स। तो ये पर्ल्स मैं हमेशा लाती हूँ, 2 रुपीज़ की इतनी अच्छी क्वांटिटी मिलती, इससे आप ज्वेलरी बना सकते हो। तो ये था मेरा आज का मिनी व्लॉग 6। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।